Hello, I am Shahnawaz, your physics teacher, and today we are continuing gravitation, and in this part 3 video lecture we will discuss one of the important law, that is a Kepler's law for the planetary motion and the centripetal force. So students, aapne hamesha dekha hoga ki how the planets are revolving around the sun, aur ye calculation kis tarah ka hota hoga ki basically koi particular planet sun ke around kitne time mein apna ek revolution complete karega, etc. So there is a very big law that is called the Kepler's law of planetary motion. Kepler, Sir John Kepler, basically 16th century में ये थे. इन्होंने अपने कुछ लॉज दिए. बेसिकली ये जो स्टडी थी इनकी, ये इन्हें इनके मेंटर सर टाइको ब्राहे से मिली और उन्होंने उनकी स्टडी को आगे बढ़ाया और प्लेनेटरी मोशन के बारे में स्टडी की, ऑब्जर्वेशन किया कि हाउ द प्लैनेट्स आर बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड द सन. सो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट लॉ दिए, या मैं ऐसा कहूँ कि उन्होंने जो भी अपनी पूरी स्टडी थी उसको थ्री लॉज या तीन लॉज के अंदर कंक्लूड किया और कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दिया. सो आउट ऑफ दैट थ्री लॉज, द फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड द कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन. इट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ ऑर्बिट. अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर लॉ, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज एट द वन ऑफ द फोकल पॉइंट ऑफ इलिप्स. जैसा हम सभी जानते हैं, इलिप्स के दो फोकल पॉइंट होते हैं. आप देख सकते हैं, सपोज द देयर इज ए इलिप्स, यहाँ पर इसके दो फोकल पॉइंट है, द वन इज दिस एंड द अनदर वन इज दिस. सो उनका कहना था कि प्लैनेट सन के अराउंड जब रिवॉल्यूशन कर रहे होते हैं तो उनका जो ऑर्बिट होता है, उनका जो पाथ होता है, वो कैसा होता है, इलिप्टिकल शेप का होता है. इट इज़ ऑफ द इलिप्टिकल शेप. और इस इलिप्स के क्योंकि दो फोकल पॉइंट होते हैं, सो आउट ऑफ दैट टू फोकल पॉइंट सन किसी एक पर्टिकुलर फोकल पॉइंट पर लाए करेगा. और ये पूरा जो सिस्टम है, सिस्टम मीन्स दिस सन, दिस प्लैनेट, इट्स ऑर्बिट, ये पूरा की पूरा जो सिस्टम है, इस सिस्टम का जो मास होगा, सेंटर ऑफ मास जो होगा, वो सेंट्रलाइज होगा इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जिसे कहा जाएगा बैरी सेंटर. दिस इज कॉल्ड द बैरी सेंटर. क्लियर. नाउ द कैपलर्स सेकेंड लॉ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉज ऑफ एरिया और लॉ ऑफ एरिया. द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, सपोज दिस इज द सन which is lie at one of the focal point of the ellipse, and this is suppose a planet, this is a planet, so this is a line joining the sun. Clear. So the line joining the planet and the sun sweeps out equal area in equal interval of time. Clear. Let us consider the sun is here and a planet is revolving in this particular manner, it is anti-clockwise direction. So सपोज देयर इज़ अ टाइम टी, आपने कोई टाइम टी कंसिडर किया है और इस टाइम टी में आपने इसका कैलकुलेशन किया कि कितनी दूरी ये तय कर रहा है. सपोज़ इसकी सर्कमफेरेंस पर आपने ये देखा कि यहाँ से यहाँ तक, P3 से P4 तक ये पहुँचा. अगेन इसी ऑर्बिट पर किसी दूसरे लोकेशन पर आपने फिर सेम टाइम टी के लिए इस प्लेनेट के मोशन को कैलकुलेट किया और ये देखा कि इस ऑर्बिट में ये कितनी दूरी तय कर रहा है. सपोज़ नाउ इट इज़ गोइंग फ्रॉम द P1 टू P2. अब अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को इस सन से मिला दें, इट इज़ अ मेन सेंट्रल पॉइंट, या इस पर्टिकुलर फोकल पॉइंट से आप मिला दें, तो ये जो एरिया होगा, दिस इज़ अ एरिया, दिस पर्टिकुलर एरिया और ये वाला जो एरिया होगा, सपोज़ ये एरिया क्या होगा, SP3P4, दिस वन विद SP3P4, और ये जो एरिया होगा SP2P1, ये दोनों एरिया क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, जबकि आपने टाइम इक्वल कंसिडर किया हुआ है. सो यही कहता है ये लॉ, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम. क्लियर. दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ कैपलर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लॉज ऑफ एरिया और लॉ ऑफ एरियाज. द थर्ड लॉ ऑफ द कैपलर सेज दैट द क्यूब ऑफ द मेन क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस आर, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस आर ऑफ अ प्लेनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल टाइम पीरियड टी. क्लियर. आप इसे भी देखिए, यहाँ पर सपोज दिस इज एन इलेप्टिकल ऑर्बिट आपको दिख रहा है और सपोज ये पॉइंट एफ पर कौन है, प्लेनेट है, यहाँ पर प्लेनेट है और दिस इज अ सन, यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने सन कंसिडर किया हुआ है, तो दिस इज द लाइन विच इज ज्वाइनिंग टू द सन एंड प्लैनेट, सन एंड प्लैनेट.
clear? So let us consider the length of this particular line is r. So let us consider the time of revolution, the time to complete one revolution of this planet around the sun. Suppose ye planet F is sun ke around ek revolution complete karne mein time t leta hai. Theek hai, time t leta hai. So it's the time period of this particular planet around the sun. So Kepler's third law ye kehta hai, square of this time period, square of this time period is proportional to, is proportional to ये जो लेंथ हैगी इस पर्टिकुलर लाइन की जो इस प्लेनेट को और सन को ज्वाइन कर रही है इसकी लेंथ के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा. आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, आर क्यूब इस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं आर टी स्क्वायर इस प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या आप अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो फाइनली यू विल गेट आर क्यूब डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर. यह वैल्यू हमेशा क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी. दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट. सो इस पर्टिकुलर लॉ की मदद से आप कभी भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर सन और प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस पता है तो आप इजीली उसके टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं, या अगर आप उसे आपको टाइम पीरियड पता है तो आप इजीली सन और प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस को पता कर सकते हैं. तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन. जैसा हमने ग्रेविटेशन चैप्टर की शुरुआत में ही कहा था कि द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली प्लैनेट्स का जो रिवॉल्यूशन है सन के अराउंड उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. और वहाँ हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में डिस्कशन किया था, आपको याद आ रहा होगा. सो नाउ इट्स अ टाइम टू कैलकुलेट द सेंट्रिपिटल फोर्स. अब वक्त आ गया है कि हम सेंट्रिपिटल फोर्स को भी कैलकुलेट करें, उसके लिए एक डेरिवेशन डेराइव करें. प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स देखा था, या हम बेसिकली ऐसा कह सकते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने देखा था, जिसमें हमने एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू जी इंटू कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द प्लेनेट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द प्लेनेट का स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया था या देखा था. सो आज हम उसे ही कैलकुलेट करने वाले हैं सेंट्रिपिटल फोर्स के डेरिवेशन से. सो हमें पता है बेसिकली सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है. तो सेंट्रिपिटल फोर्स की डेफिनेशन दी जाती है सर्कुलर मोशन के केस में. सो वी कैन से इन केस ऑफ द सर्कुलर मोशन द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सेलरेटिंग द बॉडी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल. अगेन आई एम रिपीटिंग, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सेलरेटिंग द बॉडी is always directed towards the center at all points on the circle. आपको याद आ रहा होगा अगर कोई particular body circular motion perform कर रही है तो उस body पर circular motion के दौरान अंदर की तरफ towards the center of the circle एक force applicable होता है, एक force applicable होता है जो इस particular body को circular motion में maintain करता है. Clear? So this force is called the centripetal force. So this force is acting towards the center of the center. The force is called the centripetal force. Ya hum ise center seeking force bhi kehte hain. According to the Newton, the gravitational force of attraction between the satellite and the earth is possible ya is responsible for providing the necessary centripetal force for satellite to revolve around the earth. हम previous lecture में discuss कर चुके हैं as per the Newton's law या Newton's universal law of gravitation कि the revolution of the planet around the sun या फिर revolution of the moon around the earth it is only due to the force of gravitation. वहाँ पर इस सेंट्रिपिटल फोर्स को इक्विवेलेंट माना गया था ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के, कि ये जो पर्टिकुलर अर्थ है ये अट्रैक्ट कर रही है इस मून को अपनी तरफ, और यही है क्या सेंट्रिपिटल फोर्स. क्लियर? तो चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं, एक छोटा सा डेरिवेशन है सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए. सो एज वी नो दैट बॉडी, सपोज द बॉडी इज मून हेयर. सपोज़ कीजिए यहाँ पर जो रेड कलर की बॉडी नज़र आ रही है जिसका मास स्मॉल m है. क्लियर? इस स्मॉल m मास की जो बॉडी है ये बेसिकली कौन है, मून.
So, as we know that a body, say moon, moving in the uniform circular motion of radius r, clear? यहाँ पर ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, इस सर्कुलर मोशन की जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है? r, क्लियर? दिस इज r. और सपोज मून की वेलोसिटी कितनी है? v, इट इज़ अ v. और हमें पता है हमेशा जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? टेंजेंट टू द कर्व. सो फॉर द सर्कुलर मोशन नॉर्मली द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा? दैट इज़ बेसिकली वी स्क्वेयर अपॉन आर. क्लियर? हमने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में, जब हमने मोशन वाला चैप्टर पढ़ा था तब सबसे लास्ट जो लेक्चर था हमारा वो सर्कुलर मोशन पर ही था, और हमने उसमें डिस्कस किया था कि द एक्सेलरेशन, या हम ऐसा कहें कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज़ बेसिकली गिवन बाय वी स्क्वेयर अपॉन आर. क्लियर? तो चलिए हम आगे बात करते हैं. अब हमें पता है बेसिकली जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है दैट इज़ बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन, या हम किसी भी फोर्स की जब बात करते हैं तो दैट इज़ गिवन बाय द मास इनटू एक्सेलरेशन. तो अब क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेंट्रिपिटल फोर्स की तो ऑब्वियसली यहाँ पर जब एक्सेलरेशन की बात होगी तो एक्सेलरेशन भी कौन सा होगा? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ही होगा. सो अगेन कंसिडर, और ये किसके एक्सेलरेशन की बात हो रही है? ऑब्वियसली यहाँ पर मोशन कौन कर रहा है? यहाँ पर मोशन कर रहा है मून. तो डेफिनेटली यहाँ पर एक्सेलरेशन भी किसका होगा? मून का होगा. और मास भी किसका होगा? मून का होगा. और अट्रैक्ट कौन हो रहा है? मून हो रहा है. किसकी तरफ? अर्थ की तरफ. तो करेक्टली यहाँ पर जो फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पर मास किसका होगा? मून का, जो कि दिया गया है स्मॉल m से, एंड द एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द वी स्क्वायर अपॉन r. अब सर्कुलर मोशन की अगर हम लोग बात करें तो अगर मैं कहूँ कि भाई एक पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है बॉडी ने, तो आप बता सकते हैं कि बेसिकली इट इज़ इक्वल टू द पैरीमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल, क्लियर? या सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, इट इज़ कितना होता है? ये होता है 2πr. इट इज़ बेसिकली 2πr. और मैं कहूँ कि कितना टाइम पीरियड लग रहा है यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन करने में, तो आप इजीली बता सकते हैं इट इज़ बेसिकली इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ दिस पर्टिकुलर मून. तो यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस भी है, यहाँ पर आपके पास टाइम भी है, सो यू कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी. क्लियर? सो यहाँ पर जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, बेसिकली इट इज़ कंसिडर्ड एज ए स्मॉल वी, तो हम लिख सकते हैं वी इज़ बेसिकली वॉट? 2πr अपॉन टी. क्लियर? सो ऑल्सो फॉर द सर्कुलर मोशन जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी? वी इज इक्वल्स टू 2πr बाय टी. तो यहाँ पर अब आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिल चुकी है. आप देख सकते हैं वी की वैल्यू, यहाँ से आपने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की थी. एफ इज इक्वल्स टू एम इन टू वी स्क्वायर अपॉन आर. सो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 and 2, पुट द वैल्यू ऑफ वी, पुट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन द इक्वेशन नंबर 1. ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुटअप किया तो एफ की जगह एफ, एम इज एम, वी स्क्वेयर अपॉन आर, ये हमारी इक्वेशन थी. हम थोड़ा सा इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं, तो मैं आर को ले आता हूँ एम के डिनोमिनेटर में, तो इट इज़ बिकम एम बाय आर, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वेयर. और वी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में ऑलरेडी दी हुई है, तो पुट द वैल्यू ऑफ दिस वी एम बाय आर इन टू, वट इज़ द वैल्यू ऑफ वी? 2πr बाय टी. तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ 2πr बाय टी एंड पुट द स्क्वेयर एज इट इज़. सो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स एफ इज इक्वल्स टू 4πr स्क्वेयर इंटू एम इंटू आर बाय टी स्क्वेयर. तो देखिए अब यहाँ पर आपको फोर्स की वैल्यू मिल गई, और ये फोर्स कौन सा है? दिस इज द सेंट्रिपिटल फोर्स. आपको याद आ रहा होगा व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग हियर? सेंट्रिपिटल फोर्स. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सेंट्रिपिटल फोर्स, वेयर 4πr स्क्वेयर इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, m is what? m is the mass of the moon or the revolving body. What is the t? t is the time period of the revolving body. And what is the r? So r is the radius of the circle. And again, if we are considering the radius of the circle, so it will also be the constant value. Clear? यहाँ पर circle की जो radius होगी वो भी तो हमेशा constant ही होगी, क्योंकि circle में हमेशा कहीं पर भी आप बात करें radius क्या होती है? constant. So आप यहाँ पर देख सकते हैं कि constant value कौन कौन सी हो गई. बेसिकली यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू हो गई 4πr स्क्वायर एंड r. अब बाय कैपलर्स लॉ अगर हम बात करें, बाय कैपलर्स थर्ड लॉ, तो अभी हमने देखा द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस क्यूब, या रेडियस क्यूब यहाँ पर हमने कैसे कहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर सर्कुलर मोशन की बात की है, जबकि थर्ड लॉ ऑफ द कैपलर में ये जो r था ये क्या था? लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन.
अब यहाँ पर प्लेनेट और सन के बीच की लाइन जॉइनिंग की बात की थी, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्बिट था वो एलिप्टिकल कंसिडर किया हुआ था, अभी हम सर्कुलर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली सर्कुलर ऑर्बिट के केस में क्या होगा, जो आपकी बॉडी होगी या सन होगा वो कहाँ पर होगा, इस पर्टिकुलर अर्थ की पोजीशन पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर अर्थ और मून की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली द लाइन ज्वाइनिंग द अर्थ एंड मून, द लाइन ज्वाइनिंग द अर्थ एंड मून, इसकी वैल्यू क्या है, आर है, ठीक है। सो यहाँ पर जो टाइम पीरियड होगा टी स्क्वेयर इज प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, क्लियर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या वी कैन से रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट एंड पुट द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं टी स्क्वेयर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो यहाँ से आप प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे तो फाइनली आपको मिलेगा प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट के। सो टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू के इन टू आर क्यूब, क्लियर, वेयर के इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, ठीक। नाउ इक्वेशन नंबर 3 and 4, थ्री इक्वेशन से क्या मिला था हमें, एफ इज इक्वल्स टू 4π² एम आर बाई टी स्क्वेयर, क्लियर। तो यहाँ से टी स्क्वेयर की जगह हम पुटअप कर सकते हैं के आर क्यूब, क्लियर। तो सेम 4π² एम इंटू आर बाई टी स्क्वेयर, यहाँ से टी स्क्वेयर की जगह पुटअप किया हमने के आर क्यूब, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए आर है, यहाँ पर आर क्यूब, फाइनली वन आर कैंसिल आउट होगा, फाइनली क्या बचेगा, 4π² एंड आप देखेंगे और इसके डिनोमिनेटर में हमने के लिख दिया और यहाँ पर एम बाय आर स्क्वेयर इसको अलग लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक फार्मूला मिल रहा है हमें, या एक फार्मूले की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आपको याद आ रहा होगा। अब यहाँ पर भी इस केस में आप देख सकते हैं 4π² बाय के, अगेन पाई तो वैल्यू कांस्टेंट है, 4 इज आल्सो कांस्टेंट एंड के इज आल्सो कांस्टेंट। सो हम लिख सकते हैं बेसिकली 4π² बाय के इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और जब यहाँ पर कांस्टेंट को अगर मैं हटाना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर इक्वल की जगह प्रोपोर्शनलिटी सिंबल पुट अप करना पड़ेगा। सो फाइनली एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम आर स्क्वेयर। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास एक फार्मूला आ गया, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम आर स्क्वेयर, क्लियर। सो ये इस फार्मूले से अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो हम बढ़ रहे हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरफ। सो इफ़ द फोर्स ऑन द मून इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, थोड़ा अगर आप ध्यान दें, इफ़ द फोर्स ऑन द मून इज प्रोपोर्शनल टू द इट्स मास, क्लियर। मून पर जो फोर्स लग रहा है, मून पर जो भी फोर्स लग रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, मून पर जो भी फोर्स लग रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है भाई, मून के मास के, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल एम कौन है, स्मॉल एम वो कौन है, बेसिकली मास ऑफ द मून, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो दिस फोर्स इज अ सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द अर्थ, सो दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द मून, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये फोर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, अट्रैक्शन का फोर्स है। अब सिमिलरली हमें पता है कि अगर यहाँ पर एक अट्रैक्शन का फोर्स है तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है कि एक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगा, क्लियर। सो ये फोर्स एफ और ये फोर्स जो रिपल्शन फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तभी तो ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मेंटेन रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसको इस तरफ पुश करेगा, ये इसको इस तरफ पुल करेगा, तो फाइनली क्या होगा कि ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता रहेगा, अपने पाथ से डिस्टर्ब नहीं होगा। सो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि अगर ये वाला जो फोर्स है एफ, ये इस मास ऑफ द मून स्मॉल एम के प्रोपोर्शनल है, तो डेफिनेटली इसका अपोजिट फोर्स जो होगा वो इस कैपिटल एम या अर्थ के मास के प्रोपोर्शनल होगा, क्लियर। सो फाइनली वी कैन से, बिकॉज दिस बोथ द फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, सो वी कैन से इजीली इट शुड ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल टू द मास कैपिटल एम ऑफ द अर्थ एज वेल, क्लियर। तो ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा ये बेसिकली अर्थ के मास के प्रोपोर्शनल भी होगा। सो फाइनली हम इस तरह से लिख सकते हैं एफ इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द मून डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून। सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय आर स्क्वेयर। सो इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन आ गई है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाली इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला बेसिकली आया यहीं से था, अभी हम रिवर्स डायरेक्शन में चले हैं, हमने पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, देन वी आर डेराइविंग टू इट। सो देखिए यहाँ पर बड़ा सिंपल सा केस है कि बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो दोनों प्लैनेट्स के मास के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बेसिकली दोनों मासेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं स्क्वायर
इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए दिया हुआ था एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r², वो यहाँ से आपको मिल रहा है। सो देखिए कितना सिंपल था। तो आई होप कि आपको ये क्लियर समझ में आया होगा और आज आपने देखा होगा कि हाउ द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डेराइव। क्लियर। सो दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। दिस वॉज बेसिकली अ डेरिवेशन। सो इस लेक्चर में अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप इसे कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट आता है यू कैन व्हाट्सअप टू मी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सामने जो फेस आइकॉन दिख रहा है इसको क्लिक करके इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।